देते हैं उनका पक्ष। कमाल फारूकी को आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, अन्य लोग भी वहां पर मौजूद हैं। क्या कहा जाता है सुनिए। जब देश में इतना बड़ा फैसला आया है, ये संगठन क्या कहता है सबकी नजर रहेगी। देश का अहम मसला आज खत्म हो गया, ये इकबाल अंसारी ने कहा, स्वागत किया फैसले का, कहा सरकार तय करे जमीन दे वहां मस्जिद बनाएंगे। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, ये तस्वीर दिखाते रहिए, हम वहां पर ले चलेंगे आपको। मुझे लगता है जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया ले लें तमाम लोग जो हमारे साथ हैं इस वक्त। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक प्रतिक्रिया अभिषेक वहां से। अंजना, इस वक्त हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ कई लोग हैं, बीएचपी के शरद शर्मा हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, आज का फैसला किस तरीके से देखते हैं? आज का फैसला हम सत्य के रूप में देखते हैं, किस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सत्य को जो है स्थापित किया है, और हम सब सम्मान करते हैं, ये किसी जीत और हार के रूप में नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि जो सत्य थी जिसको 70 वर्षों से एक पर्दे के पीछे रखा गया था वो प्रकट हुआ, और आने वाले दिनों में जो है यह सत्य जो है समाज के सामने आ गया, और अब जो है सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का हम जो है अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये राम जन्मभूमि न्यास को मिला है, तो यहाँ पर तमाम तैयारियाँ हो रही हैं, यहाँ पर लोगों ने भी काफ़ी रिस्ट्रेंट रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नारेबाजी नहीं है, ये आप लोग इसको किस तरीके से? बिल्कुल नारेबाजी की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा तो वहाँ पर अधिकार पूर्व में था ही और अभी भी है, लेकिन हम इसको जो है किसी भी प्रकार से जीत हार के रूप में नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम प्रदर्शन का वस्तु है ही नहीं। रामलला जो है वह दिव्य और भव्य मंदिर में पहुँचे, ये सबकी आकांक्षा और निष्ठा है, लेकिन वहाँ पर जो है शांति व्यवस्था बनी रहे, अयोध्या में शांति व्यवस्था बनी रहे, साथ साथ देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक यहाँ के नागरिक भी हैं और साथ साथ राम भक्त भी हैं। कई और लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, बबलू खान जी ये बताइए कि आप लोगों ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है और आप तो राम जन्मभूमि के लिए लड़ते रहे, क्या कहेंगे? जी, आज जो काफी वर्षों से जो हमने लड़ाई लड़ी है और जो मैंने बिस्मिल्लाह करके इस मुहिम में मैंने हाथ लगाया था, तो कहीं ना कहीं से मैंने पूरे देश के लिए बिस्मिल्लाह किया था, पूरे राष्ट्र के लिए बिस्मिल्लाह किया था, हिंदू और मुसलमानों के सबके हक के लिए मैंने बिस्मिल्लाह किया था, वो आज मेरा बिस्मिल्लाह कबूल हो रहा है, आज मेरा बिस्मिल्लाह कबूल हो रहा है, और हम सब इस फैसले का स्वागत करते हैं। अयोध्या की धरती से हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग मिलकर के स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सब एक भाई के रूप में हैं, और अपील करता हूँ देश के कोने कोने पे लोगों से, जिस तरीके से हम सब यहाँ पे भाई हैं उसी तरह से आप लोग भाईचारा बना कर रखिए और इस फैसले का स्वागत करिए। चलिए अंजना, यहाँ पर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, और यही महत्वपूर्ण भी है, कई दिलों की दुआएं कबूल हुई हैं, तो दूसरी तरफ एक अजब सा तेज आज सुबह में सरयू तट पर उस रोशनी में है जो सूर्य की किरणें बिखेर रही हैं, एक नए सुबह का आगाज है। निशांत चतुर्वेदी के पास फौरन चलते हैं क्योंकि वहां पर अयोध्या से आए हुए मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग हैं ऐसा मुझे बताया जा रहा है, जल्दी से निशांत उनकी प्रतिक्रिया ले, फिर मेहमान से एक एक रिस्पॉन्स। मेरे साथ शोएब काश्मी साहब है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए बड़ी रोचक बात है, किस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग इस डिसीजन को ले रहे हैं। इसके लिए शोएब काश्मी साहब, जो कि अयोध्या वार्ता कमेटी के अध्यक्ष, आप अंदर कोर्ट रूम में मौजूद थे जी, आप क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ये ऐसा फैसला है कि ये देश को जोड़ने वाला है, क्योंकि अब तक जो ताकतें यहाँ पर सरकार में थी वो नहीं चाहती थी कि ये मुद्दा हो। लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई है, आइए आपको लिए चलते हैं। अभी तो देख के बताएंगे, तो इशू हो रहे हैं उसके बाद हमारे लॉन में शुरू हुए लॉन में। हाँ, वो तो हेलो, चलिए कुछ ही देर में जफर याब जिलानी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बात अपना रखना चाह रहे हैं, क्योंकि पीछे बैनर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लगाया गया है, लेकिन ये भी याद रखिए सुनी वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील भी हैं, जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी तरफ से वकील भी जफर याब जिलानी इस पूरे मामले में रहे हैं। हमारे साथ पांडे जी भी लगातार बने हुए हैं, एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया जल्दी से आपसे स्वामी जी शुरुआत करते हुए, बड़ा फैसला है लेकिन संयम रखने का वक्त है।
देखिए अंजना जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। न मेरी जीत न तुम्हारी हार है। हाँ। कोर्ट ने हमें जो दिया वो हमें स्वीकार है। तो मैं एक सभी भारतीयों से एक ही प्रार्थना करूंगा, हम लोगों के पिता की तरह सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको ये ऑर्डर दिया है, और एज ए हम भारतीय, क्योंकि राम हम सबके पूर्वज हैं, हमें पूर्णतः से इस कोर्ट के जजमेंट का आदर करना चाहिए। और कोई भी बाहर की बातें कोई करता है उनकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। शांति बनाकर अपने देश, जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वैसे हमें हमारे देश की मर्यादा और कानून बना के रखना चाहिए। ठीक है, यही निवेदन। ठीक है, आप जफर आप जिलानी भी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, आपको रखने का प्रयत्न अपनी तरफ से करेंगे और इस जजमेंट को पूरे धैर्य और उदारता के साथ सभी को स्वीकार करना चाहिए। धैर्य के साथ फैसले को स्वीकार करना चाहिए। जफर याब जिलानी, कमाल फारूकी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच के सामने वो बोलेंगे। मोनिका जी, जल्दी जल्दी छोटा। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक स्वर में ये फैसला दिया है 5-0 से। उन्होंने कहा है हम सबकी रजामंदी है इसमें। मैं मानती हूँ कि हर भारतीय की भी रजामंदी होगी। वो कह रहे हैं जन्म स्थान पर यहाँ मंदिर बनेगा और साथ में अयोध्या में मस्जिद भी होगी। हाँ। तो यहाँ राम का नाम भी और अल्लाह का नाम भी रहेगा साथ साथ, पर जन्म स्थान पर राम मंदिर धूमधाम से बनेगा। हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, सत्य और तथ्य के मंथन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भारत और लोकतंत्र के मस्तक पर एक मंगल कलश प्रस्तुत किया है, जिसका दीप भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा और इसके भीतर जो जल है मंगल कलश में वह एक शांति का वातावरण करेगा। मेरा केवल एक निवेदन है कि इस पूरे निर्णय को अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे जो कुहासा है, जो भ्रांतियां हैं, वो समाप्त हो। सारे लोग आज देश में आज तक ही देख रहे हैं, तो आप महामंडलेश्वर जी चिंता नहीं करें, क्योंकि आज तक के जरिए पूरा डिटेल पूरी डिटेल जाएगी। देखिए, अभी तो बहुत मोटी रिपोर्ट है, लेकिन हमने यही पहल की है कि निष्पक्ष एक एक लाइन जैसे बताई गई है कोर्ट की तरफ से वो लोगों के सामने जाए, खुद ही विश्वास जगेगा। जल्दी जल्दी एक रिएक्शन, क्योंकि इस फैसले की सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जज ने इसमें कोई, मैं लौटूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई है, दिखाइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर यहाँ तक और आज भी सुप्रीम कोर्ट के आप मौजूद थे, वही इस वक्त में आपको संबोधित करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ में मौलाना सदर रही मुजुद्दीन साहब हैं, जो मुस्लिम फसला बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, तथा यादिराज साहब भी मुस्लिम फसला बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आने वाले हैं, उसमें जमतुल्ला से मौलाना सदर रही मौलाना सदर रही साहब हैं, फजल रहमान साहब हैं, और उसके अलावा जमात इस्लामी के अमीर जनाब सादुल्ला हुसैनी साहब हैं, और जमीयत अहले हदीस के शीश तमीमी साहब हैं जो आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ में जो हमारे वकील कोर्ट में मौजूद थे वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जनाब शकील अहमद सैयद साहब जो मेरे राइट साइड पे हैं, और अभी शमशाद साहब जो शमशाद अहमद साहब हैं वो भी हमारे, एमआर शमशाद साहब वो भी हमारे वकील थे कोर्ट में, वो भी जस्ट पहुँचने वाले हैं, और मौलाना न्यास फारूकी साहब भी हमारे बैठे हुए पीछे हुए, और इसके अलावा हमारे जूनियर मुख्य संख्या मौजूद है, उनका चर्चा करवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ अभी एजाफिया बिरानी साहब आपको संबोधित करें। फ्रेंड्स, जैसा अभी डॉक्टर क्यूआर इलियास साहब ने कहा, जजमेंट अभी प्रोनाउंस हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी तफसील से तकरीबन आधा घंटा उसको पढ़ा, रिलेवेंट पोर्शन। जजमेंट में बहुत सी बातें हैं जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म और 1991 का एक्ट वगैरह वगैरह, जो बहुत सी बातें जो कारामद हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स है, उन्होंने ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टली डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिव को दे दी। ये हिस्से हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर एडवोकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वेदर टू फाइल ए रिव्यू और ना। हमेशा से कहते रहे कि हम रेस्पेक्ट करते हैं उसकी, और पूरे मुल्क के आवाम से यही अपील करते हैं
कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखें, किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतजाज किसी साइड से नहीं होना चाहिए, ना कोई इसके लिए ये सोचना चाहिए कोई डिफीट किसी की है या किसी की विक्ट्री है. तो दैट वी हैव ऑलवेज सेड एंड टुडे आल्सो वी रिटेट इट एंड व्हाट एवर लीगल कोर्स इज पॉसिबल दैट विल बी अडॉप्ट. वी हैव स्पेशली डिससेटिस्फाइड दिस सम फाइंडिंग्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच वी हैव जस्ट हर्ड, बट आफ्टर गोइंग थ्रू द जजमेंट वी विल क्लेरिफाई दोज थिंग्स इन डिटेल. सो टुडे आई कैन ओनली से that judgment is not satisfactory and is not as per our expectations. We are not satisfied with it, and especially from the fact that the land of the mosque, even of the inner courtyard in which prayers were offered, that too has been given to the other side. Isme ye hum isko na equity maan sakte hain na justice maan sakte hain, phir bhi hum iske bare mein jo kuch legal remedy hogi उसके बारे में तय करेंगे, बाद में आपको बताएंगे. आज तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस में आए उसमें बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो चीफ जस्टिस ने प्रोनाउंस किया, जजमेंट सुनाया, उसके अंदर बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं मुस्तकबिल में. इस सेकुलर स्ट्रक्चर को कायम रखने में ये जजमेंट कहीं किसी हद तक हमारा पूरे मुल्क के लिए मददगार हो सकता है. तो हम हर पार्ट को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसका जहाँ की फाइंडिंग दी गई है, ख़ासतौर से जो फाइंडिंग इस बात की दी गई है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन माना गया 1528 अमीर बाकी से कह दिया तो 1528 हो गया, और 1857 के बाद के ये कहा गया कि इसके बाद की तो एविडेंस मिलती है, इससे पहले की एविडेंस नमाज पढ़ने की नहीं मिलती. अब मैं इसको कुछ और नहीं कह सकता, लिख कर ही इस बात को कहूँगा जो कुछ मैं कहना होगा कि जो चीज़ें आप रिलाई कर रहे हैं, टाइफन थेलर का जो ट्रैवलर्स अकाउंट रिलाई किया आपने, और उस टाइफन थेलर के ट्रैवलर्स अकाउंट में अगर ये लिखा है कि ये मस्जिद 3 गुंबद वाली बनाई गई, तो मस्जिद के लिए अब नमाज पढ़ने का उस वो लिखेगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रैवलर्स के उसमें अकाउंट में, ना वो पूजा करने उससे लिखा है. तो जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई कर रहे हैं कि हिंदुओं के बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल रिलाई नहीं कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हैं जो उसकी डिटेल्स जजमेंट पढ़ने के बाद ही मेंशन की जाएंगी, और वो रिव्यू में ग्राउंड में मेंशन की जाएंगी. अगर हमारी पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तय करती है, क्योंकि बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तय किया है कि हमारे वकीलों की टीम और ख़ासतौर से धवन साहब और सीनियर वकला के मशवरे से उनके जजमेंट पढ़ लेने के बाद फिर ये फाइनल डिसीजन देंगे कि रिव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं फाइल किया जाएगा. तो इसलिए आज तो हम खाली अपनी राय दे सकते हैं, इससे लगता है कि हम शायद रिव्यू फाइल करें, लेकिन अभी हम फाइनल नहीं कुछ कह सकते हैं. नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत यूजफुल हैं. जैसे 1971 के एक्ट को उन्होंने बहुत तारीफ की, जो 1971 का प्रेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट है, 91 का जो एक्ट है, जो इसका हमें अंदेशा था, धवन साहब ने बहुत स्ट्रांगली आर्गू किया था कि आपके जजमेंट से वो कमज़ोर न पड़ जाए, तो कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो पोर्शन सुनाए उसमें उसको स्ट्रेंथन किया है. तो ये चीज़ें हैं जो उन्होंने ये भी कहा है कि किसी एक कम्युनिटी का बिलीफ दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर नहीं है, हमारे देश में इक्वलिटी है. तो ये ऑब्जर्वेशन जो हैं ये जाएंगे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद ऑब्जर्वेशन हैं, जो मुस्तकबिल में पूरे मुल्क को हेल्प करेंगे. देखिए, मैं सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने सूट नंबर 4 को भी लिमिटेशन से बाहर नहीं माना, पार्टली डिक्री किया, और आउटर कोर्टयार्ड के बारे में हमें ग्रीवांस नहीं है, चूँकि आउटर कोर्टयार्ड का चबूतरा एग्जिस्ट कर रहा था. इनर कोर्टयार्ड के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनर कोर्टयार्ड में भी क्योंकि मुसलमानों का कब्ज़ा 1857 के पहले का एविडेंस नहीं, जो हमारे ख्याल से जो एविडेंस उन्होंने यूज़ की है वो सब रेफर कर रही मस्जिद को, और उस मस्जिद में कोई पूजा पाठ का जिक्र उसमें नहीं. तो अब उसी एविडेंस को जो उसको उन्होंने रिलाई किया है हिंदुओं की आस्था के ताल्लुक से, वही एविडेंस तो मुसलमानों की मस्जिद शो कर रही. तो जब मस्जिद का एग्जिस्टेंस है और मस्जिद किसी और काम के लिए नहीं, खुद उन्होंने माना,
उन्होंने माना है कि हाँ 16 दिसंबर तक नमाज हुई, उन्होंने माना है कि इस मस्जिद का में सरेंडर नहीं किया गया था, मस्जिद को अबेंडन नहीं किया गया था। तो फिर जब मस्जिद है तो नमाज वहाँ तो होगी, 1934 के राजभवन भी माने उन्होंने। तो जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्युनिटी को दे देना, ये हमारे समझ में इंसाफ नहीं है। मगर उन्होंने ये मैंने कहा था रिव्यू, देखिए 5 एक देखिए एकड़ की बात ही नहीं है, मस्जिद का कोई बदल नहीं हो सकता है। हमारी शरीयत के मुताबिक हम मस्जिद किसी को दे नहीं सकते हैं, ना हम उसको गिफ्ट कर सकते हैं, ना हम उसको सेल कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला जो है जो होगा माना जाएगा, लेकिन जो बात हमने 5 एकड़ तो बिल्कुल उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन जो बात आपने पूछी है, उन्होंने ये भी कहा है और ये हमारे फेवर में जाता है कि अगरचे एएसआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो वहाँ पर मटेरियल मिला वो 12th सेंचुरी के रिजेंबल से टेम्पल से रिजेंबल करता था, लेकिन 12th सेंचुरी से लेकर और 1528 तक वहाँ क्या रहा है इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं। तो ये 300 साल का गैप उन्होंने माना है। हमारा ये कहना है कि जजमेंट में जो उन्होंने प्रोनाउंस किया उसमें कहीं नहीं मिला कि हिंदुओं का केस ये नहीं था कि 12th सेंचुरी का टेम्पल डिमालिश किया गया, हिंदुओं केस था कि विक्रमादित्य के ज़माने का टेम्पल डिमालिश किया गया। उस पर हमें जजमेंट में जो पोर्शन सुनाए गए हैं वो कहीं सुनने में नहीं आया। पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि बुनियाद उनकी है। सूट नंबर 5 में प्लेन एलिगेशन ये थे कि विक्रमादित्य के ज़माने में मंदिर बना था, जो विक्रमादित्य का ज़माना आपको मालूम है ईसा मसीह के बराबर 57 साल पहले का ज़माना, यानी 2000 साल पर। उस ज़माने के ना तो ईसाई की रिपोर्ट में कोई स्ट्रक्चर मिले हैं, ना उस ज़माने के कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो अब हमें जजमेंट पूरा पढ़ने के बाद अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो अपेरेंट एरर्स लगती हैं, मिस हो गई हैं, क्या वजह है ये तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ने कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़े, जाहिर है पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, पूरा जजमेंट काफ़ी बल्कि है। तो इसलिए हम अभी नहीं कह पाएंगे कि उसके खिलाफ रिव्यू ज़रूर फाइल होगा, लेकिन हाँ हमें लगता ऐसा है, धवन साहब का भी यही कहा कि इसको एग्जामिन करेंगे, लगता हमें कि ये रिव्यू उसका फाइल करना होगा। तो अभी हम उस तफसील भी नहीं जा सकते। 5 एकड़ बिल्कुल नहीं, हमने आपसे पहले बताया कि मस्जिद की कोई कीमत नहीं, मस्जिद को फरोख्त नहीं किया जा सकता, हमारी मिल्कियत नहीं, मिल्कियत अल्लाह ताला की होती है, लिहाजा उसके बदले में कोई चीज़ देना 5 करोड़ या 500 करोड़ जमीन की भी कोई वैल्यू नहीं। वो उसका इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था ज़मीन का, ज़मीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहाँ पर यूज़र था हमने उसको माना है कि हाँ चबूतरे पर उनका यूज़र है, उसके ऊपर जो राइट बनते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ उनका कब्ज़ा नहीं था, माना गया है कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई हैं, जाहिर है वो हाईकोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी ज़मीन उनको पूरी दे देना, ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। इसी तरह से हम इसको जस्टिस व इक्विटी के कॉन्सेप्ट में नहीं समझ पा रहे हैं, और आइंदा हम इसके बारे में रिव्यू के बारे में डिमोलिशन को उन्होंने खुद कंडेम किया, डिमोलिशन को कंडेम किया, ये कहा कि मूर्तियाँ रखना भी गलत था, सब चीज़ें कही हैं। यही मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्तकबिल में मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हमारा राइट जो चला गया है इस जजमेंट से, उसके लिए हमें ज़रूर अभी अपने एफर्ट छोड़ना नहीं है, और हमें उम्मीद है कि हम इसके लिए तमाम हकाई दलाइल पेश किए गए, बावजूद इसके आपको लगता है कि जितने भी एविडेंसेस पेश किए गए कि उस पर किसी तरीके का दबाव का फैसला है या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल हम कुछ नहीं कहेंगे, ये चीज़ें कभी हमने नहीं कही हैं, ना आइंदा हमने हाईकोर्ट के बारे में नहीं कहा है, ये आप समझ लीजिए। ये वो लोग कहते हैं दबाव वाली बात जो जजमेंट नहीं मानते, हमने कभी नहीं कहा है किसी फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले में हमने कभी नहीं कहा दबाव का है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पूरी रिस्पेक्ट हमेशा दी है, आज भी दे रहे हैं। जजमेंट से डिसएग्री करना ये हमारा राइट है, लेकिन तो हम उसको डिसएग्री करेंगे रिस्पेक्टफुली, हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को गिराए, उसकी डिग्निटी को कम करे। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सारे मुल्क की तवक्कात उससे हैं, और हम उस पर हमें एतमाद है पूरा, हमने हमेशा एतमाद किया है, लेकिन गलती किसी से हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों केसेस में अपने जजमेंट रिव्यू किए,
अंधूरे केस में किया है, तो ये तो जजमेंट में गलती हो सकती है जजेस से, उसको उसको रिव्यू करने के लिए हमारा राइट है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी है, सिविल प्रोसीजर कोड में भी है। तो अगर वो हम बोर्ड ने इसको वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया तो हम इंशाल्लाह रिव्यू फाइल करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप एक एक आदमी हाथ उठाए, सबको जवाब देंगे, सबको देंगे। इमार शमशाद साहब भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील हैं। ये माइक संतुष्ट नहीं है।